प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कोविड 19 के नियमों का 100% पालन किया जाए और कोरोना एवं मेडिकल से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। श्रीकांत शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई मरीज अस्पताल के बाहर ना रहे और उसका शीघ्र इलाज प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मरीज को लाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन सहित बेड खाली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सभी के पास तत्काल एम्बुलेंस पहुँचे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराना शासन एवं प्रशासन के कार्यों में प्राथमिकता है और प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में डॉक्टर्स एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। इसके बारे में ACMO डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि KD मेडिकल एवं नैती में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही प्लांट बनाकर तैयार कर लिया जाएगा जिससे प्रत्येक दिन में लगभग 800 से 1200 सिलेंडर की सप्लाई होने लगेगी। श्रीकांत शर्मा ने नगर निगम, नगर निकाय एवं ग्राम पंचायतों में कंटेनमेंट जोन की सही से निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि सभी संबंधित अधिकारीगण कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग एवं साफ सफाई का कार्य निरंतर किया जाए। 80-90% तक लोग ठीक हो, तो अच्छी बात भी है, लेकिन कई जगह स्थिति क्रिटिकल भी रहती है, उसका भी हम लोग सामना कर रहे हैं। कई लोग हमारे बीच में से चले गए, बहुत दुखद है, लेकिन सबका प्रयास है कि अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचाया जाए। उसमें सब लोग हमारे कोरोना योद्धा पूरी मेहनत से जुटे हैं, पूरा प्रशासन हमारा लगा हुआ है। मैं अपने कोरोना योद्धाओं को सल्यूट करता हूँ। दिन रात हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे शासन प्रशासन के लोग, हमारे बिजली कर्मचारी, हमारे पुलिस के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं कि कैसे भी अपने लोगों की जान बचाई जाए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, गर्म पानी का सेवन करें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। ये जो प्रोटोकॉल है इसका अनुपालन करें, कोरोना परास्त होगा, हम कोरोना को हराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।